हेलो नंदन संगीत में एमसी स्किल्स एंड आज मैं आप लोग के सामने लेकर क्या हूँ हैपन्स टू का टॉपिक जो स्पेशली दीपक जी मेरे व्यूअर हैं उनके फरमाइश से आया है। उन्होंने कमेंट बॉक्स पे लिखा था कि सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हैपन्स टू बी। तो गाइस मैं हैपन्स टू आपको प्रॉपरली समझाऊंगा जिसमें हैपन्स टू बी भी आ जाएगा और साथ ही साथ हैपन्स टू हैव भी आ जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको ये ऐसी ग्रामर चाहिए जो ज़्यादा आप उस लोगों के सामने थोड़ा सा यू नो स्टाइल मार सकते हो क्योंकि बहुत ही यूनिक ग्रामर है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होता है, तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप इस ग्रामर को जानना चाहते हो। तो गाइस हैपन्स टू इसका यूज कैसे होता है, अगर हम हिंदी में बात करें हमें गाइस कहना सौभाग्य से या फिर हम कहें इंग्लिश वर्डिंग्स में बाय चांस। तो गाइस जब भी हमारे ऐसे वर्ड्स आते हैं बाय चांस या फिर सौभाग्य से देन वी यूज हैपन्स टू, तब हम हैपन्स टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल गाइस मैं अपने फ्रेंड के घर गया। अब मेरे फ्रेंड के घर ना उसका ब्रदर था तो मैंने उसको देखा, मैं उसको पहले से ही जानता था, तो उसने मुझे बोला यार ये मेरा भाई है। मैंने कहा यार बाय चांस मैं इसको जानता हूँ, तो इस कंडीशन में गाइस सौभाग्य से मैं उसे जानता था, तो इस कंडीशन में कह सकता हूँ सौभाग्य से मैं उसे जानता हूँ यानी सौभाग्य से मैं इसे जानता हूँ। इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैपन्स टू नो हिम, मैं उसे सौभाग्य से जानता हूँ, आई हैपन टू नो हिम। जैसे गाइस आपके फ्रेंड ने आपको कहा यार क्यों ना आज मैगी बनाते हैं, क्या तुम्हें मैगी यार बना लेते हो, कहता यार सौभाग्य से मुझे मैगी बनानी आती है, और तो कुछ नहीं आता लेकिन मैगी जरूर बनानी आती है। आई हैपन टू नो हाउ टू मेक मैगी, आई हैपन टू नो हाउ टू मेक मैगी। तो गाइस जब आपको चीज सौभाग्य से हो तो गाइस आप यार हैपन टू का यूज करोगे। अगर आपको पास्ट में करना तो आई के साथ हैपन्ड आ जाएगा। जैसे आपने कहा सौभाग्य से मेरे पास पैसे थे, वहां पे जब हम गए ना हम लोगों ने जब सोचा कि पार्टी पुटी करेंगे तो मेरे दोस्त के पास ना पार्टी के बाद पैसे खत्म हो गए थे, सौभाग्य से बाय चांस मेरे पास पैसे थे या फिर बाय चांस मेरे पास पैसे थे, तो कहूंगा मैं आई हैपन टू या फिर सेकंड फॉर्म लग जाएगी हैपन्ड टू, आई हैपन टू हैव। अब गाइस देखिए यहाँ पे मैं किस चीज का प्रेजेंस अपने पास दिखा रहा हूँ, जैसे आपको पता होगा जैसे हम कहते हैं मेरे पास पैसे है आई हैव मनी, तो वैसे यहाँ पे भी गाइस हैव आ जाएगा आई हैपन टू हैव मनी, सौभाग्य से मेरे पास पैसे थे आई हैपन टू हैव मनी। तो ऐसे गाइस अब हैपन टू के बाद उसको रख दोगे। अब गाइस हम हैपन टू बी का यूज कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे गाइस आप कहते हो कि जैसे कई बार लोगों की ना सोसाइटी में बातचीत हो रही होती है यार उसके पास पैसों की कमी है, उसके पास पैसे बहुत है, तो आप कहते हो सौभाग्य से ना उसके पास तो ना काफी पैसे है, सौभाग्य से वो इंजीनियर है, सौभाग्य से वो इंजीनियर है, तो आप कहोगे ही हैपन्स टू। अब यहाँ पे इंजीनियर किसी क्वालिटी, अब गाइस किसी प्रोफेशन का नाम है तो एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो ऑब्जेक्ट से पहले आप बी का यूज कर लोगे। जो हमारे व्यूअर ने डाउट पूछा था तो वहां से गाइस आपका बी तब लगेगा जब आप किसी ऑब्जेक्ट के सामने रखते हो। ऑब्जेक्ट देखिए गाइस वर्ब तो आपका एकदम डायरेक्ट आ जाएगा, जैसे कि ही हैपन्स टू नो हिम, वो सौभाग्य से उसे जानता है, लेकिन यहाँ पे गाइस वर्ब नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गाइस आपका बी आएगा। जैसे आपने कहा कि वो सौभाग्य से इंजीनियर है तो आप कहोगे ही हैपन्स टू बी इंजीनियर, रिपीट कर रहा हूँ ही हैपन्स टू बी इंजीनियर। तो इस कंडीशन में गाइस आप बी का ही भी यूज करोगे। तो उम्मीद करती हूँ ये थोड़ा सा अटपटा सा चटपटा सा चैप्टर आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर आया होगा तो गाइस जल्दी से इसको थम्स अप शेयर लाइक कीजिए, और हाँ ना भूलिए गाइस आपकी जो भी डिमांड्स होती है जल्दी से कमेंट बॉक्स पे लिख करके मुझे बताइए, मैं पूरी जान लगा दूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, टुडे एंजॉय सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गिव योर बेस्ट शॉट।